हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और अपना अच्छा वाला ख्याल रख रहे होंगे। और ये सुबह का समय है, सुबह मैं उठ जाती हूँ 5:30 से 6 के बीच में ऐसे उठ जाती हूँ डेली। और किचन में मैं आई थी ये नाश्ता बनाने के लिए और वही मैं बना रही थी। और सुबह सुबह मेरी बेटी सोई रहती है तो मैं अपना जल्दी जल्दी जो भी काम होता है वो ज़्यादा नहीं हो पाता है क्योंकि वो आजकल बहुत जल्दी उठ जा रही है। तो ये हमें कुछ नहीं करने देती हैं, ना वीडियो बना देंगे थी ना कुछ, बस इनको मोबाइल चाहिए। देख रही थी कि मम्मा मोबाइल लिए और बहुत खुश हो रही थी। अपना जो कल लेके आई उसको दिखा दो, ये दिखा दो, बजा के दिखा दो, बजा दो, बजा दो। इसकी मम्मा कहाँ है? इसकी मम्मा कहाँ है? वो दे, अच्छा सोई है। तो बाय बाय कर दो सबको। बाय कर दो। कहाँ गए हैं पापा? उधर गए हैं, स्कूल गए ना? पापा कहाँ गए? उधर गए हैं। आज मंकी आया था। हाँ तुम सो। हाँ मंकी काहे रो रही हो? काहे रो रही हो बताओ? कहाँ जाना है? कहाँ जाना है? बाहर जाना है। कौन गया डैडी? कहाँ गए पापा? पापा कहाँ चले गए? उधर चले गए हैं। और दो बच्चों को बाय बाय कर दो। बाय। चूहा है। अच्छा बताओ तो माऊ कहाँ है? बिल्ली? हाँ। चूहा कहाँ है? पंखा कहाँ है? और किताब बुक कहाँ है? किताब कहाँ है? हाँ मेरा बेटा सब जानता है। और माऊ कैसे करती है? माऊ चूहा कैसे करता है? चूहा भी माऊ करता है। शेर कैसे करता है? अजी। और काव कैसे बोलती है? अरे बेटा मेरा, मेरा बेटा कैसे बोलता है? भाई ये कौन नहा के आ गया है इधर? अभी नहा लिया। नहाने के बाद ये सो जाएगी, इसको दूध पिला देंगे फिर ये सो जाएगी। अब ये सो गई है, अब यही समय है 1-1.5 घंटे जो भी चाहे काम कर लो अपना, चाहे पढ़ाई कर लो, फिर मोबाइल देख लो या फिर आराम ही कर लो, जो भी करना है। क्योंकि जागते में तो ये कुछ भी नहीं हमें करने देती है, बस इसके साथ या तो खेलो या तो कुछ भी करो, इसको देखो। अकेले रहने से यही होता है, बच्चों के साथ बस सारा समय चला जाता है। और इस समय BPSC का पेपर आ गया है तो 19 तारीख को है मेरा पेपर। और मेरी वीडियो अगर जो लोग देख रहे हों जिसका BPSC का पेपर हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि किसका किसका है और कहाँ सेंटर गया है। और इस समय तो क्या पढ़ो क्या ना पढ़ो, कितने दिन बचे ही हैं, जाना है कि नहीं जाना, अभी ये भी कंफ्यूजन में ही है। क्योंकि 2 बार तो पेपर दे के आएँ, 1 बार तो हुआ नहीं और 1 बार दे के आएँ 3.0 वाला, तो वो तो कैंसिल ही हो गया था पेपर लीक होने की वजह से। और जो लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं किसी का भी पेपर हो BPSC का तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा किसका कहाँ सेंटर गया है। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।